हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त पैकिंग बिजनेस बताने वाला हूँ। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जितने पैसे आप इसमें लगाओगे उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। मतलब आपने 5,000 रुपए लगाए तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों ये बिजनेस है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये बिजनेस है कैंडी का बिजनेस। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको पता चलेगा ये आपको कहाँ से खरीदना, कैसे पैक करना, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों ये 3 तरह की कैंडी है, ठीक है। ये आपको मार्केट से अगर आप 1-2 किलो 10 किलो तक भी लाते हो तो ये आपको 90 से 100 रुपए किलो मिलती है, ठीक है। अगर इसको आप 30 किलो से 50 किलो के बीच में लेके आओगे तो दोस्तों ये आपको 70 रुपए की पड़ेगी। इसीलिए आपको कोई भी चीज क्वांटिटी में हमेशा खरीदनी चाहिए। अगर कम क्वांटिटी में खरीदोगे तो उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। दोस्तों ये टॉफी आपको कहां से मिलेगी आपको मैं बाद में बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको इसे किस तरीके से पैक करना है। दोस्तों इसे पैक करने के लिए आपको इस तरीके के जार चाहिए। आप इस डिजाइन के किसी भी डिजाइन के जार ले सकते हैं, ये मेरे पास रखे हुए थे इसलिए मैं आपको इन्हीं में बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इनके अंदर 100-100 पीस पैक करने हैं, ठीक है। 100 इसमें से 100 इसमें से 100 इसमें से। पहले मैं आपको पैक करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रॉफिट समझा देता हूँ। तो मैं आपको पैक करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने पैक कर लिया। मैं इनको हटा देता हूँ, मैं इनको एक्सपायर कर देता हूँ। ये देखिए ये तीनों फ्लेवर मैंने इसमें पैक कर दिए। ये पान फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है, ये मैंगो फ्लेवर है। आपको इसी तरीके से तीनों फ्लेवर मिल जाएंगे। अब मैंने इसके अंदर 100-100 पीस पैक करे, ठीक है। 100 पीस इसमें 100 पीस इसमें 100 पीस। दोस्तों अब आपको क्या प्रॉफिट होगा और इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो ये पैकेट है ये आपको 70 रुपए का मिलेगा अगर आप इसे क्वांटिटी में खरीदते हो तो। इसके अंदर 300 पीस है, इससे दोस्तों आपके 3 डब्बे ऐसे फिल हो जाएंगे, ठीक है। एक पैकेट के अंदर 3 डब्बे फिल हो जाएंगे और एक पैकेट आपका 70 रुपए का। ये अगर आप डब्बे होलसेल में खरीदते हो तो आपको 5 से 6 रुपए का मिल जाएगा, 5 रुपए मान लीजिए। तो 15 रुपए आपके डब्बे के हो गए, 70 रुपए आपके पैकेट के हो गए, तो ये टोटल कॉस्ट आपकी 85 रुपए हो गई। दोस्तों इसके बाद आपको इस पे स्टिकर भी लगाने हैं, ठीक है। आपको अपने नाम की ब्रांडिंग करनी है, फूड लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हैं, नहीं है तो आप लेके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो आपको लगा लेना है। लगाने के बाद उसकी कॉस्टिंग हम 1-1 रुपए स्टिकर की मान लेते हैं, तो ये टोटल कॉस्ट जो है हमारी वो 88 रुपए हो गई। 2 रुपए अदर एक्सपेंस मान लेते हैं तो ये टोटल कॉस्ट 90 रुपए हो गई। 90 रुपए में हमारे 3 डब्बे तैयार हो गए, ठीक है। एक डब्बा जो हमारा पड़ा वो 30 रुपए का पड़ा, मतलब एक डब्बा हमें 30 रुपए का तैयार हो गया और हमें इसे मार्केट में 60 से 70 रुपए में बेचना। आप 70 रुपए भी छोड़ दीजिए, आप 60 रुपए में इसे बेच दीजिए, 60 रुपए में 100 रुपए का माल दुकानदार हंस के ले लेगा। जब आप 60 रुपए में 70 रुपए का माल दोगे तो दुकानदार भी खुश होकर आपसे लेगा और आपका माल ज्यादा सेल होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका 30 रुपए में तैयार हुआ 60 रुपए में बिका तो आपको 30 रुपए का मार्जिन होगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था ना, जितना पैसा आप लगाओगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। 30 रुपए आपकी लागत आई, 30 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आपको जितनी लागत लगी उतना ही मार्जिन हो गया। अब दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपकी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है। आपको जो ये टॉफी है ये सारे फ्लेवर मिला के कम से कम 50 किलो लेने होंगे। जब आप 50 किलो लेते हो तो आपकी 70 रुपए के हिसाब से 3,500 रुपए कॉस्टिंग बैठती है, ठीक है। आपकी कॉस्टिंग 3,500 रुपए हो गई। उसके बाद दोस्तों जो ये बॉक्स है ये आपको 5 रुपए का मिला। मान लो 50 बॉक्स, जो 50 आप लोगे 50 पैकेट, उस 50 पैकेट में ये आपके 150 बॉक्स लगेंगे, ठीक है, मतलब जार लगेंगे। तो ये जार आपके 150 5 रुपए के हिसाब से 750 रुपए के हो गए और आपके स्टिकर मिला के ये टोटल कॉस्ट आपकी 4,500 रुपए हो गई, ठीक है। 4,500 रुपए में आपका काम शुरू हो जाएगा, मतलब आप अच्छी तरीके से अपना काम शुरू कर सकते हो। जब आपका माल बिक जाए आप दोबारा माल ला सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपना 4,500 रुपए में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। अब दोस्तों आपको ये टॉफियां कहाँ से मिलेंगी, ये आपको चांदनी चौक में, खारी बावली में, बतासा गली में मिलेगी। बतासा गली में आपको वहां रेट ज्यादा बोलेंगे। जब आप क्वांटिटी में माल लोगे तो वो आपको 70 रुपए तक दे देंगे, वो आपको 75-80 तक बोलेंगे, पर आप क्वांटिटी में जब बोलोगे तो 70 रुपए में ले सकते हो। ना मिले तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको दुकान बता दूंगा, आप वहां से ले लेना। दोस्तों जो ये जार है ये आपको आजाद मार्केट में मिल जाएंगे, वहीं दिल्ली में।
चांदनी चौक के पास में आजाद मार्केट है, वहां पे आपको ये जार मिल जाएंगे। ना मिले तो आप इंडिया मार्ट पे भी सर्च कर सकते हो, जैसे जो दूर के बंदे वो इंडिया मार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।